हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती एनएम न्यूज़। परसों देहांत कल्याण सिंह का हुआ, जो मुख्यमंत्री रहे और राज्यपाल रहे, उस पे हमारे चेयरमैन के अध्यक्ष अरविंद पांडे जी शोक व्यतीत करते हुए, सर क्या कहना चाहते हैं? आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में कल्याण सिंह जी के निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और साथ ही उन्होंने अपने जीवन में कोई स्वार्थ की राजनीति नहीं की और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित राजनीति करने का काम उन्होंने सदैव किया। भारतीय जनता पार्टी से उन्हें बड़ा स्नेह था और सदैव वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। उनकी अंतिम इच्छा भी थी कि मैं जीवन भर अगर राजनीति करूं तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले करूं, और जब उनकी अंतिम सांस निकले बाद में भारतीय जनता पार्टी के ध्वज में ही उनका शरीर लपेटा जाए। आज पूरा प्रदेश दुखी है, पूरा देश दुखी है कि कल्याण सिंह जी एक ऐसे राम भक्त थे जो अपने राजनीति में भी उन्होंने हमेशा राम मंदिर की बात की और कहा कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, इससे उनको बहुत प्रसन्नता हुई। राम मंदिर के आंदोलन में भी उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका का योगदान किया जब उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री थे। और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होते हुए हम विवादित ढांचा को सुरक्षित नहीं रख पाए, जबकि विवादित ढांचा को सुरक्षित रखने का दायित्व मुख्यमंत्री को बनता था। उन्होंने तुरंत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने प्रदेश में एक संदेश दिया कि विवादित ढांचा जिस परिस्थितियों में गिरा, अगर उस समय वो कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते तो पता नहीं कितने लोग मर जाते। और विवादित ढांचा वैसे भी नहीं बचता क्योंकि उस समय राम मंदिर आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में विवादित ढांचा गिरा, लेकिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी भी त्याग दी। आज ऐसे त्यागी नेता के निधन से पूरा देश और पूरा प्रदेश स्तब्ध है, शोक की लहर है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश में 3 दिन का शोक रखा है। आज 23 अगस्त को उनका अंतिम विदाई उनके पैतृक निवास में दी गई और उनके जाने से आज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने हमेशा काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता तो दुखी हैं ही, आज विपक्ष के नेताओं ने भी उन्हें जो श्रद्धांजलि दी है इससे उनकी लोकप्रियता पता चलती है। आज चाहे बसपा की मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी रही हों, चाहे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी रहे हों, या जितना भी विपक्षी दल हैं, उन्होंने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। व्यक्ति के जाने के बाद ही उसकी लोकप्रियता पता चलती है। आज कल्याण सिंह जी हमारे मध्य में नहीं हैं, मैं उनको अपनी ओर से, अपने नगरवासियों की ओर से, क्षेत्रवासियों की ओर से, जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों की ओर से, पूरे समस्त देश की जनता की ओर से मैं अपनी ब्रह्म श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि उनके दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। और जो प्रदेश की जनता को शोक हुआ है उसको, उस शोक को, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और परिवार वालों को असीम दुख सहन करने की शक्ति दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार बहुत ही द्रवित मन से
बहुत ही दुखी मन से मैं अपने नेता श्री कल्याण सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज कल्याण सिंह जी हमारे मध्य में भले ही नहीं है, लेकिन जब तक यह धरती रहेगी कल्याण सिंह जी अमर रहेंगे। हम लोग उन्हीं के सिद्धांतों पर चल करके आगे देश और प्रदेश की सेवा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत माता की जय। अभी आपकी बात हो रही थी चेयरमैन के अरविंद पांडे में, उन्होंने कल्याण सिंह के बारे में राज्यपाल के नियुक्ति के दौरान जो दो बार रहे और मुख्यमंत्री रहे उसके सिलसिले में काफ़ी बात की, और देश के लिए उन्होंने कल्याण सिंह ने काफ़ी अच्छा किया। मेरा अनुरोध है कैमरा मैन सुरेंद्र मेहरा के साथ जय हिंद।